वेलकम टू माई चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आई हूँ टेली प्राइम का रिलीज 2.0 बीटा वर्जन टेली की वेबसाइट पे आ चुका है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि जो अभी रिलीज है 2.0 जो अपकमिंग वीक्स में आने वाला है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं एंड मेजर चेंजेस आए हैं तभी रिलीज़ चेंज किया गया है। मतलब अभी तक तो जैसे रिलीज़ 1.1.4 था तो कोई ऐसा माइनर चेंजेस नहीं आ रहे हैं कि 1.1.5 आता, मेजर चेंजेस हैं इसलिए रिलीज़ 2.0 आ रहा है। तो इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, मतलब क्या क्या न्यू फीचर्स आपको टेली प्राइम में देखने को मिलेंगे एंड वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं आपके लिए, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी कर देगा टैली प्राइम में अकाउंटिंग को मेंटेन करना। तो आज मैं डिस्कस करूँगी कि कौन कौन से वो फीचर्स हैं जो कि हमारे पास टैली प्राइम 2.0 में हमें मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे आ जाएंगे tallysolutions.com वेबसाइट पे आ जाएंगे एंड यहाँ पर आप डाउनलोड पे जाएंगे तो अभी जो रिलीज़ अवेलेबल है डाउनलोड करने के लिए वो यहाँ पर टैली प्राइम रिलीज़ 1.1.4 आ रहा है। यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे तो यही डाउनलोड होगा, बट अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है एक्सपीरियंस द प्रीव्यू वर्जन ऑफ द अपकमिंग टैली प्राइम रिलीज 2.0। ये जस्ट एक प्रीव्यू वर्जन है, बीटा वर्जन है जिसमें आप यूज़ करके देख सकते हैं कि जो जो भी फीचर्स हैं वो कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे टैली प्राइम में, बट ये ओरिजिनल वर्जन नहीं है। जब ये ओरिजिनल वर्जन आएगा तो आपको यहाँ पर जहाँ पर आपको रिलीज 1.1.4 दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको शो करेगा एंड बहुत ही जल्द विद इन 15 डेज में आपको ये रिलीज़ मिल जाएगा एंड तब भी मैं आपको अपडेट दे दूँगी रिलीज़ 2.0 की एंड फिर मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगी कि आप इसमें कैसे कैसे कर पाएंगे। ओके, तो क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं पहले तो हम वो भी डिस्कस करेंगे एंड एक बार ये देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो रिलीज़ 2.0 है, ये जो न्यू रिलीज़ आने वाला है ये उन्हीं लोगों के लिए होगा, उन्हीं लोगों को इसका मतलब अपग्रेड वो कर पाएंगे जिनका TSS जो है वो एक्टिव होगा, वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। टैली सॉफ्टवेयर सर्विसेज बोलते हैं जिसको, आपका अगर TSS एक्टिव होगा तभी आप रिलीज़ 2.0 को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। ओके, मतलब अगर आपको लाइसेंस में यूज़ करना है तो उस केस में। ओके, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है बीटा इज़ अ फुली टेस्टेड प्रोडक्ट सो यू कैन गो लाइव विद योर डेटा ऑन टेली प्राइम रिलीज 2.0 बीटा, हाउ एवर इट इज़ एडवाइजेबल टू टेक अ बैकअप ऑफ द डेटा। देखिए यहाँ पे आपको जस्ट बोला गया है कि जो आपका प्रैक्टिकली डेटा है आप उसमें एक बार एक्सपीरियंस करके देख सकते हो कि जो 2.0 में फीचर्स आए हैं उनको आप कैसे यूज़ करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग एक बार देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस हैं जो हमें यहाँ पर मिले हैं। फर्स्ट जो मैं इसमें आपको बताने वाली हूँ ईवे बिल से रिलेटेड जो अपडेट आया है। ईवे बिल आपको अब पोर्टल को लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको पोर्टल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पोर्टल डायरेक्टली यहाँ से जाएंगे टैली प्राइम से एंड आप अपनी पार्ट बी की भी सारी डिटेल्स यहीं से करेंगे एंड अपना ईवे बिल लॉगिन भी करेंगे एंड आप यहीं से ईवे बिल को कैंसिल कर सकते हो। सारी चीज़ें आप यहाँ से स्टेटस इसका चेंज कर सकते हो एंड आप देख सकते हो यहाँ पर डिस्प्ले में मैं अभी आ रही हूँ एंड यहाँ पर स्टैचू रिपोर्ट्स में GST रिपोर्ट्स में मैं ईवे बिल पे जाऊँगी तो मेरे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देंगी। ईवे बिल रजिस्टर पे आप आओगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ईवे बिल, गेट ईवे बिल इन्फो, अपडेट पार्ट बी, अपडेट ट्रांसपोर्टर ID, एक्सटेंड ईवे बिल, कैंसिल ईवे बिल, सारी चीज़ें आपको यहीं पर दिखाई देने वाली हैं। देखिए आप यहाँ से सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके, इवन आप बल्क में भी अगर ईवे बिल जनरेट करना चाहते हो आप इसमें कर सकते हो। अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं अभी इसमें आपको करके इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें अभी जो आप वर्ज़न है वो बीटा वर्जन है तो इसमें सारी चीज़ें अभी ठीक से वर्क भी नहीं कर रही हैं। तो आपका जब फाइनल वर्जन आएगा तब मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊंगी, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि आपको मतलब इसमें कैसे करना है, कैसे हम ईवे बिल इसमें जनरेट करेंगे प्रॉपरली, मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगी। ओके, तो अभी के लिए आप देख सकते हैं मैंने जो अपने पास डाउनलोड किया हुआ है मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया, आप अपग्रेड पे आके देख सकते हैं। टैली प्राइम रिलीज़ 2.0 बीटा मैंने इंस्टॉल करा हुआ है बट अभी मैं इसीलिए आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि अभी इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो वर्किंग नहीं हैं। ओके, तो इसलिए जस्ट मैं आपको इन्फो दे रही हूँ, ये जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ इसमें कि क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं रिलीज़ 2.0 में। ओके, तो
उसके बाद नेक्स्ट जो चेंज आया है वो आया है HSN कोड एंड GSTN नंबर वैलिडेट करने का। अब आप डायरेक्टली अपने GSTN नंबर को वैलिडेट कर सकते हो एज इट इज़। आप अपने HSN कोड को वैलिडेट कर सकते हो एज पर पोर्टल। कैसे करेंगे देखिए, जैसे हम कोई मास्टर क्रिएट करते हैं, यहाँ पर सपोज मैंने कोई भी एक पार्टी क्रिएट करी, यहाँ पर मैंने किया IAC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये मैंने यहाँ पे लिया और इसको मैंने अंडर सन्ड्री डेटर्स दे दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक हमारे पास न्यू ऑप्शन आया गेट GSTN UIN इन्फो। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं ये एक्टिव हो रहा है, नहीं ये मेरे पास अभी चल रहा है, बट स्टिल अगर मैं यहाँ पे कुछ भी, चलिए मैं कुछ भी अभी लेती हूँ यहाँ पे, मैं इसका ना स्टेट भी चेंज कर देती हूँ। अभी तो मैंने ऐसी कोई भी पार्टी रैंडम ले ली है, ओके, एंड यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, ये मैंने ले लिया एंड मैं यहाँ पे गेट GSTN करती हूँ। डू यू वॉन्ट टू गेट दी GSTN डिटेल्स फॉर दिस, ओके, आप येस करेंगे। आपसे यहाँ पे ई वे बिल लॉगिन, मतलब आपको यहाँ पर GSTN नंबर से यूज़र नेम एंड पासवर्ड से अपने ई वे बिल को लॉगिन करना होगा एंड आपको पूरी डिटेल्स इसकी मिल जाएंगी कि एज़ पर पोर्टल आपका ये जो मतलब आप पार्टी बना रहे हैं ये किस नेम से है, किस नेम से ये पार्टी है, उसका GSTN नंबर क्या है, आप इसको वैलिडेट करना चाहते हो कि कोई मिस्टेक ना हो एज़ पर पोर्टल और एज़ पर बुक्स, ओके, तो आप यहाँ से इसको वैलिडेट कर सकते हैं, ओके। तो मैं आपको इसको यूज़ भी करके बताऊंगी, बट अभी के लिए आपको जस्ट बता रही हूँ कि कहाँ पे कौन सा न्यू फीचर आने वाला है ताकि आप लोगों को ये पता रहे जब आप ओरिजिनल वर्जन यूज़ करो, ओके। अब चलिए, अब मैं यहाँ पे स्टॉक आइटम में आपको HSN कोड बताती हूँ कैसे आप वैलिडेट कर सकते हैं। मास्टर्स पे आप क्रिएट कर लेंगे एंड यहाँ पर स्टॉक आइटम पे जब हम कुछ भी क्रिएट करते हैं, सपोज मैंने एक आइटम क्रिएट कर ली, लैपटॉप मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैंने यहाँ पे हार्ड डिस्क के नाम से आइटम क्रिएट किए और यहाँ पर मैंने इसको नंबर्स दे दिया, GST को एप्लीकेबल कर रही हूँ एंड मैंने यहाँ पे कोई भी HSN कोड अभी डाल दिया, ये मैंने रैंडम डाला है, कोई भी मैंने ये बिल्कुल सही नहीं डाला, ओके, बट मैं यहाँ पे गेट HSN SEC इन्फो ये मैं लेना चाहती हूँ। डू यू वॉन्ट टू गेट दी HSN डिटेल्स फॉर 5241, इसको येस किया। यहाँ पे फिर आपसे ई वे बिल डिटेल पूछेगा, आप यहाँ पे अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड से लॉग इन करेंगे, आपको ये पूरा दिखाएगा, पूरा डिटेल देगा कि विद HSN कोड एंड विद डिस्क्रिप्शन इस आइटम का आपको क्या यहाँ पे एज पर बुक्स लेना होगा, ताकि आपका जो डेटा आप बुक्स में बना वो बिल्कुल एक्यूरेट बने जैसा आपको पोर्टल पे चाहिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि HSN कोड की तो बहुत ज़्यादा मतलब HSN कोड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है एंड अब आप लोगों को B2B के लिए HSN कोड वाइज समरी देना मैंडेटरी भी हो गया, GSTR1 में आपको HSN कोड वाइज समरी देनी पड़ती है, तो इसलिए आप यहाँ से अगर वैलिडेट कर देंगे तो मिस्टेक के चांसेस भी कम रहेंगे, ओके। तो ये वाला एक न्यू फीचर आने वाला है रिलीज 2.0 में। उसके बाद नेक्स्ट एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक फीचर आने वाला है जो कि है रिपोर्ट्स को सेव करने से रिलेटेड, ओके। रिपोर्ट्स को सेव करने से रिलेटेड मींस कि सपोज देखिए मैंने क्या किया, मैं बैलेंस शीट पे हूँ एंड मैंने इसको डिटेल्स के लिए Alt+F1 कर दिया, ओके, ये मैंने यहाँ पर Alt+F1 कर दिया, मेरे को ऐसे डिटेल चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे F12 करके कॉन्फिग्रेशन पे जाती हूँ एंड यहाँ पर मेरे पास आ रहा है शो परसेंटेजेस। मैं चाहती हूँ मेरे को परसेंटेज वाइज भी ये पूरा मतलब शो करनी चाहिए रिपोर्ट, तो मैंने परसेंटेज के ऑप्शन को येस कर दिया एंड येस करने के बाद देखिए मेरे पास इनके आगे परसेंटेज भी आ रही है, ओके। एंड अगर मैं एस्केप करके दोबारा बैलेंस शीट पे जाऊंगी तो वो परसेंटेज वाला तो ऑप्शन यहाँ पे आ ही नहीं रहा, ना ही मेरे को परसेंटेजेस दिख रही हैं, और अगर मैं चाहती हूँ कि वो मेरे को देखनी है तो मुझे दोबारा से F12 करना पड़ेगा और दोबारा से इस ऑप्शन को येस करना पड़ेगा, मतलब कॉन्फिग्रेशन उतनी बार इनेबल करनी पड़ेगी जितनी बार मैं उस रिपोर्ट पर आऊँगी, ओके। तो आप क्या कर सकते हो, आप आपको जैसी एक स्टेबल रिपोर्ट चाहिए उसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो एंड उसके बाद यहाँ पर ना आप सेव व्यू कर सकते हो। देखिए यहाँ पे Ctrl+L से आपको ऑप्शन मिलेगा सेव व्यू का, आप सेव व्यू पे क्लिक करेंगे आपको वो शो करेगा कि आपने किस नाम से इसको मतलब कि सेव करना है। जैसे अभी बैलेंस शीट माई व्यू के नाम से आ रहा है एंड यहाँ पे आ रहा है सेट दिस एज डिफॉल्ट व्यू फॉर द रिपोर्ट, येस। मैंने कहा हाँ, मैं जब भी रिपोर्ट पे आऊँ मेरे को ये ऐसी सेम व्यू दिखना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है शो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, मैंने कहा नहीं अभी मेरे को और कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखनी और इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया।
बस अब मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं चाहती हूँ, मैं दोबारा से वहीं पे जाना चाहती हूँ, मतलब गो टू पे मैं गई, मेरे को बैलेंस शीट का देखना है व्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट माई व्यू, मैं इसके ऊपर एंटर करती हूँ, आप देखेंगे मेरे पास ये सेम परसेंटेज वाइज व्यू दिख रहा है। मतलब कोई भी रिपोर्ट का अगर आप व्यू रखना चाहते हो अपने पास सेव करके, तो आपको मिल जाएगा। आपका जो कॉन्फ़िगरेशंस करने में बार बार टाइम वेस्ट होता था वो आपका नहीं होगा, आप कोई भी रिपोर्ट को सेव करके रख सकते हो। ओके, तो बहुत अच्छा फीचर है ये भी, मतलब हमें हमारा टाइम इसमें बच जाएगा, हमें जैसी रिपोर्ट चाहिए होती हैं हम उसको एक सेव करके रख सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो हम कॉन्फ़िगरेशन से काफ़ी टाइम बाद हमें ढूंढ के मिलती हैं, और उसके बाद हम उसको एक बार एग्जिट हो जाते हैं तो दोबारा से ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए क्या करो, एक बार आपकी रिपोर्ट जैसी आपको चाहिए वैसी रखो एंड उसको सेव व्यू कर लोगे तो आपके पास वो सेव रहेगा। ओके, अब उसके बाद जो नेक्स्ट आया है वो आया है ब्राउज़र एक्सेस पे। आपका जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल पे कर दी हैं। जैसे आप अपना ब्राउज़र एक्सेस अगर करते हो, सपोज़ मैं आपको करके दिखाती हूँ, सपोज़ मुझे इस कंपनी के लिए ब्राउज़र एक्सेस देना है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सबसे पहले तो मैं फ़ीचर पे आ रही हूँ एंड यहाँ पर शो मोर फीचर्स को इनेबल कर रही हूँ। एंड मेरे पास ऑलरेडी ब्राउज़र एक्सेस का फ़ीचर इनेबल है, आप देख सकते हैं ब्राउज़र एक्सेस मेरे पास ऑलरेडी इनेबल है। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कंपनी पे आ रही हूँ एंड यहाँ पर मैं सिक्योरिटी पे आ रही हूँ। ब्राउज़र एक्सेस के लिए मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी कि इस ईमेल आईडी पे मेरे को नेशनल ट्रेडर्स कंपनी का एक्सेस मिलना चाहिए। मैंने यहाँ से एक्सेस ले लिया, कंपनी पे गए एंड यहाँ से मैंने इसको कर दिया कनेक्ट, नेशनल ट्रेडर्स कंपनी को कनेक्ट करना है। कनेक्ट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्टेड फॉर ऑनलाइन एक्सेस। एंड यहाँ पर अब आप आ जाएंगे, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है मेरी आईडी से, तो मैं यहाँ पे जस्ट माय अकाउंट्स पे जा रही हूँ एंड आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे नेशनल ट्रेडर्स एंड कंपनी शो कर रहा है, कनेक्टेड है ये। मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ एंड क्लिक करते ही मेरे पास जो है ये रिपोर्ट्स आ जा रही हैं। ये देखिए, अभी ना इसमें जो चेंजेस हैं वो अभी हुए नहीं हैं, क्योंकि जो जो हमें चेंजेस मिले हैं वो अभी इसमें एज इट इज़ ही आ रहे हैं, जैसे बैलेंस शीट में जैसे पहले आते थे। बट अब आपको जो न्यू रिलीज़ मिलेगा उसमें आपको, मतलब रिलीज 2.0 जो आपको मिलेगा अभी ना, क्योंकि देखिए मैंने अभी आपके सामने सेम फीचर किया है, तो अभी मेरे पास वो चीज़ चेंजेस नहीं आ रहे हैं जो पहले, मतलब नहीं आते थे, मतलब रिलीज 2.0 में जो आने चाहिए। तो ये वाला जो फीचर है ये आपको मिल जाएगा रिलीज 2.0 में, जब आपके पास ओरिजिनल वर्जन आएगा। बट आपको ब्राउज़र एक्सेस करना ऐसे ही है, आपकी रिपोर्ट्स को और भी अच्छी तरह से फ़िल्टर करने के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आए हैं। बल्क में आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हो, बल्क में आप अपने GST नंबर को वैलिडेट कर सकते हो, बल्क में आप HSN कोड्स को वैलिडेट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो आपको रिलीज 2.0 में देखने को मिलेंगे। एंड टैली एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा कि जिसमें आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ओके, तो आप ये बने रहिएगा हमारे साथ एंड जो भी अभी अपकमिंग वीक्स में रिलीज 2.0 अब लॉन्च होगा, तो मैं इसकी स्टेप बाय स्टेप आपको सारी वीडियोस दूंगी। एंड अगर आप टैली को स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से लर्न करना चाहते हैं फॉर योर बिजनेस और फॉर योर जॉब, तो आप उसके लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.rjlearningacademy.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।